हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी जीत के भेद को जाने। जैसा कि पहला इतिहास अध्याय 14 उसकी 13 और 14 आयत में लिखा है, फिर दूसरी बार पलिश्तियों ने उसी तराई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा और परमेश्वर ने उससे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूद के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। मेरे प्रियो, आप मसीह में जीतने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन हर जीत का एक भेद जरूरी होता है। आपकी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि आपका परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है। मेरे प्रियो, आपकी जीत इसमें है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं कि नहीं। आप कल्पना करके देखो, दाऊद को परमेश्वर ने कहा चढ़ाई कर, उसने सामने से चढ़ाई की और वो जीत गया। सोच कर देखें, वो पाप कर बैठता, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानता, वो उसकी आवाज को ना सुनकर फिर से आगे से चढ़ाई कर लेता, तो क्या होता? दाऊद के जीवन की सफलता का राज उसकी परमेश्वर के साथ सहभागिता थी। हर लड़ाई से पहले परमेश्वर उसको नई योजना देता था। परमेश्वर उसको कहता था कि तेरी युक्ति, तेरी योजना, तेरे हथियार कुछ नहीं है अगर मैं तुझे वचन ना दूं, तेरी अगुवाई ना करूं। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि सन 1990 में एक बहुत सफल इंसान था, मेरा व्यापार बहुत सफल था, लेकिन अब मैं असफल हूं। वो सच बोल रहे होते हैं, लेकिन गलती ये है कि वो अपने तेल को अपने सहभागिता को परमेश्वर के साथ नहीं करते। इसीलिए शैतान आपको व्यभिचार और चोरी देता है ताकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ टूट जाए। आपकी मेहनत तब सफल होती है अगर परमेश्वर आपके साथ है। अगर प्रभु के साथ संबंध पक्का है, वो आपको कदम कदम पर अगुवाई करेगा। आपको शायद अगुवाई महसूस ना हो, अगर आप वचन पर खड़े हो और आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहराता, तो आप सही समय पर सही जगह पर पहुंचेंगे। मेरे प्रियो, अगर आपका प्रभु के साथ संबंध पक्का है, आपका दिल रोता है जब आप पाप करते हैं और आप पाप छोड़ना चाहते हैं और आप प्रार्थना में भी हैं और आप सही चल रहे हैं, तो आप सही जगह पर होंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आज से तेरी अगुवाई में चलूंगा और तेरे कामों को करूंगा। आप मुझे अनुग्रह दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।